हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, आज की वीडियो का टॉपिक है ऑस्ट्रलोपिथेकस। ये पूरी फौज पलटन जा रही है माशाल्लाह से। मैंने आपको शॉर्ट वीडियो में दिखाया होगा, मैं चिक्स लेकर आया हूँ, तो आज आपके साथ शेयर करूँगा कि हाउ टू टेक केयर ऑस्ट्रलोपिथेकस इन समर सीज़न। सो वीडियो को एंड तक रहिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, फुल मज़े वाली। अगर आपको दिल करे तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एक छोटी सी वीडियो को शेयर कर दें। और उम्मीद करता हूँ आपके पेट ठीक ठाक होंगे, फिटफाट होंगे, उनको गर्मियों से बचाएं, गर्मियाँ शुरू हो रही हैं। वो सबके जो सबके बर्ड्स हैं, जो भी वीडियो देख रहे हैं, उनसे यही रिक्वेस्ट है कि अपने बर्ड्स को बचा के रखें। अभी सीज़न तो नहीं, सीज़न तो ख़त्म हो गया, अभी तो गर्मी आने वाली है। ब्रीडिंग मेरी भी आखिरी चल रही है, ये आखिरी क्लच है, तो मैं ख़त्म कर रहा हूँ, बाकी बचा के रखे अपने बर्ड्स को। तो ये फौज है मेरी 15 चूज़ों की, और एक ये है, माशाल्लाह से। तो इनको जो गर्मियों में, पहली बात तो ये है कि गर्मियाँ शुरू होने लगी हैं, बस यही महीना है जो ठंड का थोड़ा फिर आगे गर्मी, अप्रैल शुरू हो गया तो गर्मियाँ भी शुरू होगी, वैसे गर्मियाँ पड़ ही रही हैं। अब मेरे पास 5 मिस्त्री हैं और इनमें 14-15 पीस में लेके आया था ऑस्ट्रलोप के बेज में। एक मैंने पता नहीं आ रही, आड़ का भी पकड़ लिया दाना कोई, वो ज़रा आजकल ढीला है, मैं ज़ूम कर देता हूँ, ये देख लें, ये मुझे लग रहा है सील का बच्चा है, मैं लेके आया था, ये जो पानी पी रहा है, और ये ऑस्ट्रलोप आड़ यार वो मिस्त्री। तो पहली वजूहत तो इनको पानी प्रॉपर दें, साफ दें, विटामिन डालें पानी में, इनको वैक्सीन करें हर मंथ, इनकी वैक्सीन करें। मैंने भी वैक्सीन कर दी, बस वो जल्दी जल्दी मैंने की थी क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, मैंने अकेडमी भी जाना था, तो जिसकी वजह से मैं इनको वैक्सीन कर ली। मैंने आपके साथ शेयर करने का इरादा किया था लेकिन नहीं हो सका, फिर भी मैं आपके साथ इंशाल्लाह अगली दफ़ा शेयर करूँगा। तो ये पहली बात तो ये है कि इनको पानी साफ सुथरा फराहम करें, और इनके लिए आगे शुरू होने लगी तो इनको गर्मियाँ शुरू होंगी, तो इनको साथ साथ आपने शावर भी करते जाना है, दिन में 1 से 2 बार आपने दोपहर को इनको शावर करते जाना है। इनको छोड़ें, इनको दाना डालें, घर की फीड डालें, लहसुन अदरक डालें हर हफ्ते में, लूसन डालती है करें हफ्ते में 3 से 4 बार चूज़ों को। मेरे पास तो ये रोज़ ही खा जाते हैं क्योंकि मेरे पास ये बदमाश है 2, तो इनको ये लूसन डालते रहेंगे, इनको खुला रखें, मैंने इनको खुला रखा हुआ है, नीचे गंद में खेलते रहते हैं ज़रा, वो देखें पानी ख़त्म हुआ है, इधर पानी भी इनको डालना है अभी, बाकी इनको शावर करते रहिया करें। और जब गर्मी फुल अरूज पर होंगी तो इनके लिए एक कूलर का बंदोबस्त या पंखे का करते रहें। मैं आपको दिखाता हूँ गर्मी का क्या हाल है इस वक्त, ये इसके मैं पर दिखाता हूँ आपको, ये चेक करें, ये देखिए पर खोल के बैठा हुआ है, बच्चे हैं जिसको गर्मी का ये हाल है, तो उधर वो जोड़ा लगा बैठा हुआ है, वो बच्चा है, तो फीड ले रहा अपने, गर्मी का ये हाल चल रहा है इस वक्त। तो उम्मीद करूँगा आपको ये वीडियो पसंद आई, अगर पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट लाजमी नहीं है, आप करें ना करें, अगर आपको पसंद आई है तो करें, बाकी आती रहेंगी वीडियो अब तो इंशाल्लाह आती रहेंगी। अब मैंने चूज़े भी लिए हैं, अब मैं सोच रहा हूँ कि पॉलिश का या सेट ले लूँ, या चिक्स का, या पॉलिश का या सिल्की का ले लूँ, एक सेट मैंने ये लेना है इंशाल्लाह। उम्मीदें तो बहुत है, बाकी अल्लाह ताला का करम है, मैंने ये ले ली हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई, लाइक शेयर कमेंट, एक अच्छा सा प्यारा सा लाइक कर दें।